रामगढ़वा से मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट। आज हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो पंचायत समिति से हैं, अभी उनका नामांकन पूरा हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस पर क्या कहेंगे जी। आपने किस चीज़ को देख करके नामांकन किया है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और सारे हमारे जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं माहौल, जो सबके तरफ से आपको बधाई है कि आप यहाँ तक पहुँचे रिपोर्टिंग के लिए। और मैं सबसे पहले सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, सब लोगों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस की नामांकन समारोह में सब लोगों ने हिस्सा लिया। रहा बात पंचायत समिति चुनाव लड़ने का, तो हमारा उद्देश्य शुरू से ही मतलब एक राजनीति का ये रहा है कि हम जब भी हमको मौका मिलेगा हम अपना चांस लेंगे। बहुत अपने ईमानदारी और एक बार आप अपना नाम और अपने पंचायत का नाम बता दीजिए। मेरा नाम मामून रशीद, ग्राम मेरा भेड़ियारवा हुआ और पंचायत हम लोग का मुहरा है। चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इसके बाद लोगों से कुछ बात करेंगे। क्या ये है आप क्या कहना चाहेंगे इन प्रत्याशी के प्रति? कहना चाहेंगे जैसे आवाम की जम्मे गफीर को देखते हुए ये लग रहा है कि इनकी जीत यकीनी है, और इनको भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनकी जीत होगी तो पूरे आवाम को एक साथ लेकर और ईमानदारी के साथ अपना ये काम करेंगे। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, आवाम में अपना मकबूलियत ईमानदारी के साथ हासिल कर सकते हैं। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बगल में एक डॉक्टर हैं, आइए हम उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि इनका नाम क्या है। डॉक्टर साहब, बोनौर से मोतिहारी से जी। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मीडिया से चलकर अमरोहा पहुँचे हैं, ठीक है। और बाकी जो है ये जो कैंडिडेट है ये बहुत ही अभी यंग है, इनका 22 साल उम्र हो रहा है, ठीक है ना, और बहुत लगन के साथ ये बहुत मेहनत दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने पंचायत के लिए। बाकी जो है ये अपने पंचायत में जीतने के बाद बहुत सारे काम ये करेंगे, जो भी काम है पंचायत का। अच्छा, आपने काम का बात कही, तो यहाँ पर हम प्रत्याशी से पूछेंगे कि इससे पहले जो पंचायत समिति थे क्या उनके द्वारा आपके यहाँ काम किया गया है? देखिए, अभी मैं किसी भी प्रत्याशी के बारे में कुछ ऐसा शब्द अभी नहीं कहूँगा, ये अभी हमको शोभा नहीं देगा, क्योंकि सब तरह के लोग बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उन्होंने भी काम किया लोगों